हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपने देखा होगा, आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले, या मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था ट्यूबवेल के हवाले से। मतलब कि एक मिनी स्विमिंग पूल बनाया, फिर उसमें पानी के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पानी वगैरह चाहिए था, तो उसका सारा वो प्रोसीजर मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो आज हम एक और व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो वैसे भी फारिग था, कोई कंटेंट नहीं था मेरे पास, गेम्स वगैरह, तो वैसे मैंने कुछ टाइम के लिए बंद की हुई है। इट्स अबाउट रीज़न यही है कि स्टडी के लिए। तो आज फिर मैं इस व्लॉग को शूट करने के लिए थोड़ा थोड़ा, मतलब मुझे शौक था कि अब दोबारा भी मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, तो आज इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ। जैसे कि भाई, जो मेरा छोटा भाई है आलियान, अभी तो वह नहा रहा है, मैं व्लॉग शूट करने के लिए बाहर आया हूँ। तो आसपास मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि जो लाइफ है ना सिटी की, उससे काफ़ी बेहतर है। उसमें यार एक जगह घुट के रहना है, ये वो, बाकी सारे बहुत सारे मामला थे यहाँ पे, खुली हवा, ठंडक और फिर ताज़ा हवा। अब यहाँ पे स्पैरोज़ वगैरह की आवाज़ भी आ रही है। आपको मैं रेंडमली आवाज़ सुनाता हूँ कि कैसी आवाज़ है, कैसा इन्वायरमेंट है इधर। तो ये इनका अंदर वाला सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज 3 फेज सिंगल फेज के, और इस साइड पे आ रहा है टाइम के जितने टाइम से हमने चलाई हुई है। वैसे तो जबकि स्टार्ट हुई है 251 हावर्स चल चुकी है, बट अब ये जो नीचे आ रहा है ना 2 hours and 23, ये हम रेस करके दोबारा इनके चलानी होती है ना, तो फिर ये वो वाला टाइम नीचे आ जाता है। आपको मैं इसके अंदर का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। तो इंटीरियर में तो काफ़ी ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, भूचाल पड़ा हुआ है तारों का। तो ये देख सकते हैं, यूनि मीटर्स की वायर्स हैं सारी, ऑन ऑफ का बटन है, और हमने इसमें एक ऑटो सिस्टम लगाया हुआ है कि लाइट जाए तो उसके बाद चलाने के लिए हमें खुद ना आना पड़े। खुद ब खुद ये ऑटो सिस्टम से, इस बटन है ये ऑटो, उससे दोबारा चल जाएगी। तो ये तो हो गया इसका सिस्टम, और साथ में हमने एक छोटा सा और अर्थ ब्रेकर लगाया है बाकी सिस्टम के लिए, मतलब कि हम लाइट्स वगैरह जलाएँ, पंखा चलाएँ और जो भी चीज़ चलाना चाहें। यहाँ पे हमने एक प्यारा सा AC DC फैन भी इंस्टॉल करवाया हुआ है, वो भी उसी अर्थ ब्रेकर वाली साइड से चलता है। एक लाइट ये, एक ये लाइट, और ये है इनका बोर्ड जहाँ से हम सारी चीज़ों को चलाते हैं, मतलब पंखा चलाना हो या फिर लाइट वगैरह। यहाँ पे एक और होल्डर दिया गया है, लाइट्स वगैरह कुछ भी लगा सकते। ये है एक छोटा सा मिरर, यानी कि हेयर वगैरह सेट करने के लिए, और ये उसका है रिमोट पंखे का। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमने ऑन किया, अभी हॉर्न बज रहा है उसका, तो यहाँ से इसको फुल कर दिया, फिर ये भाई चल रहा है अपना आराम से। तो इसके नीचे ही हमने अपनी लैंड क्रॉस FBR खड़ी की हुई है, KTM कह लें, FBR कह लें, हमारे लिए तो सब कुछ है। का रिमोट रखते हैं इधर, और थोड़ा सा खुद को भी देख लेता हूँ मैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, एक आराम सुकून से, इतना कोई शोर नहीं होता, खुली हवा, ताज़ा हवा। और ये विंडो से बाहर का मनाजर दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो ये अभी रूम में से दिखा रहा हूँ, बाहर चल के भी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फसल है चावल की। अच्छा, नहीं देख सकते, एक मिनट रुको भाई। हाँ, तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये फसल है चावलों की। तो ये अभी इसको लगाए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं। वैसे ये डायरेक्ट नहीं लगाए जाते, पहले एक जगह पे चावल उगाए जाते हैं बहुत ही क्लोजली करके, तो उसे, ये वैसे तो हम क्या लोकली ज़ुबान में
पनीरी का नाम देते हैं, तो वहाँ से उसको निकाल कर जब वो अच्छा स्टेम बन जाता है वहाँ से उसे निकाल कर ऐसे यहाँ पे खुला खुला करके लगाया जाता है और 10-15 दिन के बाद ये रिज़ल्ट होता है। तो इन चावलों की फसल में भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ आ गए हैं, मतलब सोच के पागल है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस महीने में सभी चावलों की फसल तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये जो है इतनी बड़ी है और इसके पल्ली साइड वाली आप देख सकते हैं कि वो अभी अभी लगाई है, मतलब कि ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं कि अभी चावलों की फसल लग ही रही होती है तो कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं वो निकल आती हैं। उन वैरायटीज़ में से एक मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, उन वैरायटीज़ में से एक चबल मिसाल वो भी है, चबल एग्जांपल, वैसे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, कि जैसा कि आप देख सकते हैं वो अभी तैयार होने वाली है और इस साइड पर अभी लगा भी नहीं है, ये भी ऐसे पड़ा, इसमें भी अभी लगाना। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे बंदे को पागल नहीं करना चाहिए, साइंस ने भी क्या क्या तरक्की कर ली है, इन भाई साहब ने भी तरक्की कर ली है, अभी नहा के निकल आए हैं ये भी। तो वैसे ट्यूबवेल तो हमने बंद कर दिया, अभी हम अपनी FBR निकालने वाले हैं और चल के आपको आगे वाली चीज़ें भी दिखाते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी और कैसी कैसी होंगी, तो कुछ खचेज भी होंगी कुछ अच्छी भी होंगी। चेंज वगैरह कर लिया, अभी FBR बाहर आ रहा है, कहाँ गया? ओए भाई FBR जल्दी आ जा, ओ भाई आ जा यार, क्या हो गया, क्या कर रहा? ओ भाई खड़ा है ये अंदर, चल बाहर, FBR निकल आया है तो तू ड्राइव कर, मुझसे चलेगा नहीं, ताला। ओ सॉरी यार, ताला लगाना भूल गया था यार, ये भाई ने यार दिलवा दिया, ओए इसे छोड़ी अभी, इसको निकाला यहाँ से, और चलो जी ये नहीं लगा जी, भाई लग गया, बाय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे भी काफ़ी सांस चढ़ गया क्योंकि भागता भागता यहाँ तक आया हूँ। तो ये है सब्ज़ी और ये है जी तोरी, है उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इंग्लिश में तो मुझे अब तक नहीं पता क्या क्या कहते हैं, हाँ पता लगा तो ज़रूर बताऊँगा। अच्छा तो ये वैसे तो ना ये अभी है थोड़ी थोड़ी, मतलब इस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स के बाद ही जो भी कोई फल है इस तरह का वो फ्लावर्स के बाद ही उगता है, तो सब्ज़ी का भी यही कम्बिनेशन है। इसमें तो सारी ही ये देख रहे हैं आप येलो येलो पत्ते हो गए हैं, सारी सड़ चुकी है, बट अभी भी काफ़ी हद तक ये काम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना तोड़ने की वजह से इतनी बड़ी बड़ी जो हैं वो ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं, ज़ाया जाती हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाए ना, वैसे ये गेट अच्छा है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ये ज़्यादा पक जाए तो फिर भी ख़राब है, कम पकी हो तो फिर भी ख़राब है, कहने का मतलब ये है कि इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे मैं व्लॉग क्या शूट कर रहा था और किस तरफ में चला गया। इस सब्ज़ी के बाद आ जाता है हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम, वैसे ये तो नहीं है, तो अभी जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसी कुछ सब्ज़ी थी शायद, मैं वो कोई मतलब जो भी थी मुझे नहीं पता, तो वो सारी ऐसी ख़राब हो चुकी थी, ख़राब होने के बाद जो ये डंडे थे उसके ये हैं वो, और अब ये बस रहती है यहाँ से, तो सारी ख़त्म हो चुकी है ऐसे समझे। बाकी हवा बहुत अच्छी चल रही है, ओए यार पसीना सूख जाएगा पीछे से भागता हुआ आया हूँ। वन मोर ट्यूबवेल, वन मोर स्विमिंग पूल, ये तो नहीं है स्विमिंग पूल, छोटा है बहुत, वैसे इस तरफ में बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। भाई आप पीछे रहो पीछे रहो, तो ये देखें भाई साहब जी कितना गहरा है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा सही तरीके से, तो बहुत ज़्यादा गहरा है ये, इसमें अगर कोई गिर जाता है तो बचता नहीं है। काफ़ी सारी जगहों पर ऐसे ही पम्प्स लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लगे होते हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने ही आपको हमारा मैंगो वाला बाग नजर आ रहा होगा, मैंगो फार्म कह लें आप इसे, इसमें अभी तो इसमें से हमने तकरीबन ही सारे मैंगो तोड़ लिए हैं, अब ये फारिग है एक ईयर के लिए, एक साल के लिए, अब ये फारिग है, एक साल बाद ही इसमें जो कुछ लगेगा लगेगा। वैसे हमने काफ़ी सारी इसमें न्यू प्लांटिंग भी की है, काफ़ी सारे और नए प्लांट्स लगाए हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर वो भी काफ़ी अच्छे मैंगोज़ मतलब
वहाँ से भी काफ़ी अच्छा मैंगो मिलेगा हमें। तो ये भी एक है लेमन के जैसा ही होता है, एक लोकल ज़ुबान में से मीठे का लफ्ज़ दिया जाता है कि लेमन के जैसा होता है, उसका टेस्ट भी कुछ वैसा ही होता है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा तुरश होता है। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, हमने इसको लगाए हुए अब 2 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये काफ़ी आगे तक ये लगे हुए हैं, उसमें भी ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पिछले अबव 2 ईयर्स है ना, इस पर फूल लगते हैं लेकिन इस पर फल नहीं होता, तो अभी उम्मीद है कि अगले साल इस पर भी फल होगा, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। वैसे जो कुछ भी बने हमें अभी घर चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ के बंदे कुछ ऐसी शेप में फिर होते हैं गर्मी के मौसम में। ओके तो गाइस फाइनली रीच डेट होम, तो आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी मेरी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुँचती रहें। सो बाय।